इंडियन प्रीमियर लीग के गलियारे से निकलकर अब तक कई भारतीय खिलाड़ियों ने भारत के लिए न केवल खेला है बल्कि आज के डेट में उनका शुमार देश के पॉपुलर स्टार्स में होता है। हार्दिक पांड्या से लेकर जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल सरीखे खिलाड़ी आईपीएल की ही देन है, लेकिन इन्हीं सब के बीच एक ऐसा नाम भी है जिसने आईपीएल में तो अब तक आग लगाई है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह पक्की नहीं कर पाया है। एक समय धोनी के बाद भारतीय विकेटकीपर की दौड़ में ये नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इनकंसिस्टेंसी और दिए गए मौके को ना भुना पाने के कारण आज इंडियन टीम में इन्हें कभी कभार ही खेलने का मौका मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, एक ऐसा टैलेंट जिसे महज 18 साल की उम्र में ही कई एक्सपर्ट्स ने भारत का भविष्य बता दिया था, जिसने आईपीएल में एमर्जिंग प्लेयर का खिताब भी जीता था लेकिन फिर नाकामियों की वजह से भारतीय टीम से अंदर बाहर होता रहा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सैमसन की कहानी, कैसे शुरू हुआ उनका क्रिकेटर बनने का सफर और कब उन्होंने मनवाया अपने टैलेंट का लोहा। संजू का जन्म 11 नवंबर 1994 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ एक पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे, वहीं माता लीजी सैमसन एक हाउसवाइफ थी। शुरुआत में सैमसन के पिता दिल्ली में पोस्टेड थे। हर भारतीय बच्चे की तरह संजू भी क्रिकेट को बहुत पसंद करते थे और छोटी सी उम्र से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। उनके पिता आम भारतीय पिता के उलट अपने बेटे के दिली ख्वाहिश अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए कभी संजू को क्रिकेट खेलने से रोका नहीं और समय समय पर उनका साथ दिया, जिससे संजू के खेल में दिन दुगनी और रात चौगुनी का इजाफा हुआ। इस दौरान दिल्ली में ही रोजरी सीनियर स्कूल से सैमसन ने शुरुआती पढ़ाई की और जब पिता का रिटायरमेंट हुआ तो वे परिवार सहित केरला आ गए और यहाँ संजू सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई करने लगे। दिल्ली से केरला शिफ्ट होने के बाद भी संजू ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा, बल्कि अपने स्कूल में उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत मात्र 13 साल की उम्र में ही केरल टीम में शामिल कर लिए गए। संजू का क्रिकेट करियर अंडर 13 मैच से शुरू हुआ। उन्होंने केरल के लिए शुरुआती में ही टूर्नामेंट के डेब्यू मैच में शतक जड़ दिया था और उतना ही नहीं, दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 5 मैचों में 4 सेंचुरी लगाई थी। शुरुआती करियर में सैमसन ने केरल क्रिकेट टीम की ओर से कप्तानी भी की, जहां बेहतरीन प्रदर्शन करने के कारण उन्हें अंडर 16 में बतौर कप्तान शामिल किया गया। केरल का अंडर 16 में खेलने वाले संजू को इस बीच विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी खेलने का अवसर मिला, जहां महज 15 साल की उम्र में गोवा के खिलाफ 138 बॉल पर 200 रन बनाकर संजू ने सभी को प्रभावित किया और केरल की अंडर 19 टीम के लिए टिकट कटा लिया। इसके अलावा उन्हें रणजी ट्रॉफी में भी अपनी स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। 3 नवंबर 2011 को संजू ने विदर्भ के खिलाफ रणजी मैचों में डेब्यू किया और अपने शानदार प्रदर्शन के कारण सैमसन रणजी ट्रॉफी टीम के सबसे कम उम्र के कप्तान भी बने। उनके अच्छे प्रदर्शन से अंडर 19 टीम में उन्हें विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान तीनों की भूमिका निभाने को मिली। साल 2012 में सैमसन अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए दिखे, लेकिन उसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा सके, लेकिन अगले ही साल हुए अंडर 19 एशिया कप में सैमसन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल मैच में सेंचुरी बना के भारतीय टीम को जिताया। उधर डोमेस्टिक में कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस के बाद संजू सैमसन के लिए आईपीएल के भी दरवाजे खुल गए। 2012 के आईपीएल सीजन में केकेआर ने सैमसन को खरीदा, हालांकि वहां उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल सका। फिर साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल किया, लेकिन इस सीजन के शुरुआती मैचों में बेंच पर ही अपना समय गुजारना पड़ा। पर किंग्स इलेवन पंजाब के मैच से पहले रेगुलर विकेटकीपर दिशांत याग्निक चोटिल हो गए थे, जिससे 13 अप्रैल 2013 को संजू को आईपीएल डेब्यू करने का अवसर मिल गया और उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से कबूला। सैमसन ने शानदार कैच और एक रन आउट किया और बैटिंग में जब राजस्थान 126 रन के टारगेट को पीछा करते हुए 79 पर 4 विकेट खोकर स्ट्रगल कर रही थी, तब संजू ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर बाकी के रन बनाए और रॉयल्स को जीत दिलाया। ऐसा करते ही अपने पहले मैच में संजू सैमसन छा गए। उस सीजन संजू ने राजस्थान रॉयल्स के लिए कई यादगार पारियां खेली और सबसे कम उम्र में आईपीएल अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए।
फिर चैंपियंस लीग के एक मुकाबले में भी 50 रन जड़कर संजू सैमसन सबसे कम उम्र में ये करिश्मा करने वाले बल्लेबाज बने। अपने दूसरे ही आईपीएल सीजन में संजू सैमसन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया और यहीं से हर एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने संजू सैमसन को भविष्य का सुपरस्टार बताना शुरू कर दिया था। 2 साल राजस्थान के लिए बेहतरीन गुजरने के बाद संजू सैमसन को अगस्त 2014 में इंग्लैंड टूर के लिए बतौर विकेटकीपर चुना गया, मगर उसमें उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन साल 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे टीम में उन्हें अंबाती रायडू के बदले शामिल किया गया और बाद में उसी सीरीज में T20 की प्लेइंग 11 में शामिल हुए और आखिरकार जुलाई 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में संजू सैमसन पहली बार भारत की जर्सी में खेलते हुए नजर आए, लेकिन डेब्यू मुकाबले में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद सैमसन को कई बार भारतीय टीम में जगह दी गई, लेकिन कभी भी उनके बल्ले से कोई ऐसी पारी निकल नहीं सकी जिससे कि संजू टीम इंडिया में जगह पक्की कर पाते। इसी वजह से कई साल उन्हें भारतीय सेटअप में अंदर बाहर होना पड़ा। उधर 2018 में राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल में एंट्री के बाद वापस से संजू की घर वापसी हुई, जहां आईपीएल 2019 में संजू ने सनराइजर्स हैदराबाद के सामने दूसरी आईपीएल सेंचुरी जड़ी। उन्होंने 55 गेंदों में नाबाद 102 रन बना दिए थे। फिर आईपीएल 2021 में बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में फ्रेंचाइजी ने संजू के ऊपर अपना भरोसा दिखाते हुए उन्हें राजस्थान रॉयल्स का कप्तान नियुक्त किया और बतौर कप्तान अपने पहले ही मुकाबले में संजू ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक हारे हुए मुकाबले में ऐतिहासिक सेंचुरी लगाकर लगभग अपनी टीम को जीत दिला दी थी। कप्तान संजू सैमसन ने 63 गेंदों में 119 रनों की कप्तानी पारी खेली, लेकिन आखिरी गेंद पर जरूरी बाउंड्री नहीं लगा सके और बतौर कप्तान संजू की शुरुआत एक हार के साथ हुई। वहीं पूरे सीजन रॉयल्स ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया और लीग को बिल्कुल बॉटम पर रहकर खत्म किया, लेकिन इस सीजन राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत टीम दिखाई पड़ रही है और इसके कप्तान संजू सैमसन ने एक बार फिर सीजन ओपनर में कप्तानी पारी खेलकर सभी फैंस का दिल जीत लिया है। दाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने हैदराबाद के खिलाफ 2022 के आईपीएल सीजन के पहले मुकाबले में शानदार अर्धशतक ठोककर लगातार 3 आईपीएल सीजन पहले ही मुकाबले में 50 रन जड़ने का अद्भुत कारनामा अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, क्रिकेट की तरह संजू सैमसन की लव लाइफ भी काफी यादगार रही है। केरल का ये स्टार खिलाड़ी अपनी चर्चित गर्लफ्रेंड चारुलता से 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 22 दिसंबर 2018 को शादी के बंधन में बंध गया था, पर क्रिकेट फील्ड पर इतने सालों की मेहनत तभी रंग लाएगी जब संजू सैमसन बतौर कप्तान आईपीएल में अपनी टीम को ट्रॉफी दिलवाएंगे और उधर भारतीय टीम में अपनी जगह पूरी तरीके से पक्की कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस साल राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन के नेतृत्व में आईपीएल का चैंपियन बनने का दमखम रखता है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।